दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का पांच बड़े ही मजेदार सवाल जो आपके जीवन बनाने में मदद करेगी। तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को अभी हमारी इसी वक्त शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर एक, खाली चिवड़ा खाने से क्या होता है शरीर में? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है पेट खराब होता है सिर्फ खाली चिवड़ा खाने से, इसीलिए खाली पेट चिवड़ा बिल्कुल जीवन में भूल करके भी नहीं खाना चाहिए कभी भी किसी भी मौसम में दोस्तों। कोई भी चिवड़ा हो वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि पेट खराब होने की संभावना बना रहता है। सवाल नंबर दो, चिवड़ा के साथ कौन सा चीज़ मिलाकर खाने से पेट खराब नहीं होता है बिल्कुल? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है चिवड़ा के साथ चीनी मिलाकर खाने से पेट खराब बिल्कुल नहीं होता है। वही बगैर समझिए कि चीनी का अगर हम लोग खा लेते हैं तो पेट खराब हो जाता है, पेट खराब होने के कारण सब ऐसा बीमारी में लगती है दोस्तों, इसीलिए ध्यान रखें। सवाल नंबर तीन, रोज स्नान करने से क्या फ़ायदा मिलती है हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है शरीर में बीमारी जल्दी नहीं होती है स्नान करके पूजा पाठ कर लेने से। जो लोग स्नान नहीं करते हैं उन्हीं लोगों को तरह तरह की बीमारी शरीर में उत्पन्न होती है और सभी पैसा बीमारी में लग जाती है दोस्तों। सवाल नंबर चार, रोज स्नान करके पूजा करने से क्या फ़ायदा मिलती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है घर में पैसे की बारिश होती है और बीमारी घर में बिल्कुल नहीं होती है, इसीलिए दोस्तों स्नान करना चाहिए पूजा पाठ करना चाहिए सब इस चीज़ करने से कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती है घर में, ये बात आप लोग ख्याल में जरूर रखें। सवाल नंबर पाँच, नीम की दातुन से मुंह धोने से क्या फ़ायदा मिलती है हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर है पेट के सभी कीड़ा नष्ट हो जाता है, इसीलिए नीम के दातुन से मुंह धोना चाहिए सुबह के समय में और पैरिया की बीमारी नहीं होती है, मुंह से बदबू नहीं आती है, वास नहीं मारता है, तो एक दूसरे के साथ में बैठ करके बात करते हैं तो किसी को दुख नहीं लगती है, इसीलिए अपने मुँह की अच्छी तरह सफाई करें। थैंक यू दोस्तों, बने रहें मस्त रहें।